हमारे घर के बाहर एक डॉग आया था जिसको बहुत बड़ा मैगेट वुंड था। बहुत कॉल्स किए, बहुत हेल्प ढूंढी, लेकिन हमें कोई हेल्प नहीं मिली। उसके गले के अंदर एक रस्सी बंधी हुई थी, तार पूरी अंदर गई हुई थी उस बच्चे के, और ऐसे था कि वो नहीं बचेगा। कीड़े पड़े हुए थे, पूरा गला कटा हुआ था। लेकिन 15-20 दिन में जब वो बच्चा ठीक हुआ तो हमें ऐसा लगा कि ये तो कोई जैसे चमत्कार ही हो गया। तो हमें भी लगा कि अगर एक जानवर के लिए हमें 100 कॉल्स करने पड़े तो हमारी ही सिटी में नहीं ऐसे केसेस होते होंगे जिनको हेल्प ही नहीं मिलती। इस मोटिव से फिर हमने ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर करवाई। मेरा नाम हरप्रीत बाली है, जी वेलफेयर ट्रस्ट को मैंने और मेरे हस्बैंड, हम इसके फाउंडर हैं। डेली 100+ कॉल्स हमारे हेल्पलाइन नंबर पे आते हैं, उसमें केसेस होते हैं क्रुएलिटी के, एक्सीडेंट के, और ब्लाइंड डॉग्स होते हैं उसमें। बहुत ज़्यादा अभी जो केसेस बढ़ गए हैं, लोग अपने पेट्स को छोड़ रहे हैं। तो हम सोचते हैं कि लाते क्यों अगर पाल ही नहीं सकते। सिर्फ डॉग्स को नहीं, हर एक जीव को उतनी ही दर्द है, और हर एक जीव अपना पेन हमें डिस्क्राइब करना शुरू हो गया, हमें हमारे साथ बॉन्ड बनाना शुरू हो गया, हम इंटरेक्शन क्रिएट कर सके। अभी करंटली हम 100+ एनिमल्स को देखभाल कर रहे हैं, जिसमें डॉग्स, कैट्स, हॉर्सेस, काउस सब इंक्लूडिंग है। डॉग्स को सुबह हम उनको खिचड़ी प्रोवाइड करते हैं, सेकंड फूड उनको देते हैं, उसमें लस्सी होती है, रोटी के साथ हम उनको डॉग फीड मिक्स करते हैं, प्लस उसमें मिल्क मिक्स करते हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि हमें डेली का 20-20 किलो आटा उधारी पे लेके आना पड़ता है। हर तरह का मेडिकल ट्रीटमेंट हम प्रोवाइड करते हैं। तो मेरी हाथ जोड़ के आपसे विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप आगे आइए, कुछ भी इन बेजवानों के लिए डोनेट करें, दान करें, ताकि हम इन ये सेवा कंटिन्यू करें, चलती रहे, और इसको हम थोड़ा सा आगे और बढ़ाएं।